हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यार काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी वाई 5.0 अपडेट न्यूज के बारे में। एंड भाई, हमें यहाँ पे रियलमी की तरफ से ना काफी सारे ओटी अपडेट्स भी देखने को मिले हैं, तो सभी कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी भाई, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते। बाकी भाई, ये वीडियो पसंद आती है ना, तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। गाइस, यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपडेट की बात करें ना, तो फाइनली इंडिया के अंदर रियलमी GT Neo 3 डिवाइस के लिए अक्टूबर 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे OTA अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये जो अपडेट है ना भाई, अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है। बाकी ये जो अपडेट है ना भाई, काफ़ी बढ़िया अपडेट है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस अपडेट का जो UI वर्जन है ना, RMX का 3561.14.0.0.910EX01 है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ना, यहाँ पर डिवाइस के सिक्योरिटी में अपडेट्स एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच सितंबर 2024। दोस्तों, यहाँ पे देखो, सितंबर 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया। हालांकि अभी नवंबर 2024 का मंथ स्टार्ट हो गया, तो अगर हमें यहाँ पे अक्टूबर 2024 के मंथ का भी सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता ना, तो काफ़ी बढ़िया होते यूजर्स के लिए। बट भाई, आपको यहाँ पे सितंबर 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज दी सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज दी सिस्टम स्टेबिलिटी। तो गाइज, यहाँ पे डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया, साथ ही डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे बूस्ट किया गया। अगर दोस्तों आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, 4 to 5 days का आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले दोस्तों, आपको सिंपली अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है। एंड आपके डिवाइस में अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उसमें अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। देन इसके बाद ही आपको आपके डिवाइस में लेटेस्ट मंथ का यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। की बात कर लेते हैं दोस्तों, फाइनली इंडिया के अंदर रियलमी GT Neo 3T डिवाइस के लिए भी अक्टूबर 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। वर्जन यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, RMX का 3563.14.0.0.910EX01 है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ना, यहाँ पर डिवाइस के सिक्योरिटी में सितंबर 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज दी सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज दी सिस्टम स्टेबिलिटी। देन इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं रियलमी 11 Pro 5G डिवाइस के लिए भी अक्टूबर 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पर OTA अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। वर्जन यहाँ पे RMX का 3741.14.0.0.910EX01 है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ना, यहाँ पर डिवाइस के सिक्योरिटी में अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू अक्टूबर 2024 सिस्टम सिक्योरिटी। तो भाई, यहाँ पे अक्टूबर 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है। एंड डिवाइस के सिस्टम सिक्योरिटी को यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। यहाँ पे डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को भी बूस्ट किया गया है, एंड डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इजीली इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 4 to 5 days का आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपके डिवाइस में अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उसमें अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। देन इसके बाद ही आपको आपके डिवाइस में ये लेटेस्ट मंथ का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ यही सारे अपडेट सामने निकल के आए थे, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना तो बनता है। बाकी भाई, ये वीडियो पसंद आई ना, तो यहाँ पर एक लाइक कर सकते हो। एंड अगर आप लोग चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी भाई, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।